जो आपने कई बार देखा होगा कि कई फिल्म होती हैं जो छोटी साइज में होती है, यानी कि 300 या 400 एमबी में, वो कई फिल्म होती है जो कई जीबी में होती है, यानी कि 1 या 2 जीबी में, मगर दोनों की क्वालिटी सेम होती है। ये क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, आज की वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ कि वीडियो कंप्रेस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है निशान ज्योति, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आपने कई बार वीडियो कंप्रेस के बारे में सुना ही होगा, ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मान लो आपके पास कोई मूवी है, आप उसे कंप्रेस करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो ये वीडियो है, आप इसे कंप्रेस करना चाहते हैं, मगर अगर इसे बिना कंप्रेस के आप प्रोड्यूस करते हैं तो इसकी साइज होगी लगभग 400 से 500 MB, मगर आप इसे कंप्रेस करते हैं तो इसकी साइज आपको मिलेगी लगभग 40 से 50 MB। ये क्यों होता है? मान लो ये जो वीडियो है, इसमें ये जो यहाँ पर बैकग्राउंड दिखाया जा रहा है, इस बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो ये शुरू से लेकर आखिर तक वही बैकग्राउंड है, इसलिए आप कंप्रेस करते हैं तो वो आपके जो प्लेयर होता है, वीडियो प्लेयर, उसको इन्फॉर्मेशन भेजता है कि आपको शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ यही पिक्सल्स डिस्प्ले करने हैं, इसलिए इसकी साइज छोटी हो जाती है। मगर जो विदाउट कंप्रेस की वीडियो होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो हर सेकंड में यानी कि हर फ्रेम में आपके वीडियो के जो प्लेयर है उसको इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि आपको इस वक्त इस कलर में आना है, इस वक्त इस कलर में आना है, इस कारण उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। मगर जो वीडियो कंप्रेसर होता है उसमें ऐसा नहीं होता। अगर आप देखेंगे उसमें शुरू से लेकर आपको आखिर तक सिर्फ यही जो डिस्प्ले है यही दिखाई जाती है, मगर उसमें ऐसा नहीं होता। अगर वीडियो कंप्रेसर की बात करें तो इसमें आपको, अगर आप सोचेंगे कि क्वालिटी में कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं, इसमें क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है कि शुरू से लेकर आखिर तक आपको सिर्फ इन्हीं पिक्सल्स को डिस्प्ले करना है, यानी कि अगर बैकग्राउंड वाइट है तो आपको सिर्फ वाइट कलर डिस्प्ले करना है। और जो वीडियो कंप्रेसर बिना कंप्रेसर होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें हर फ्रेम में इन्फॉर्मेशन आगे भेजी जाती है कि आपको वाइट कलर में बैकग्राउंड दिखाना है, मगर उसमें ऐसा नहीं होता। और अब बात करते हैं कि क्या इसमें फ्रेम रेट में फ़र्क पड़ता है? नहीं, इसमें फ्रेम रेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसमें साइज 60 फ्रेम में रिकॉर्ड करो या 30 फ्रेम में, इसमें फ्रेम रिकॉर्ड में कोई फ़र्क नहीं होता, ये सेम उसी क्वालिटी का होता है जैसा कि बिना कंप्रेस के होता है, सिर्फ इसमें साइज का फ़र्क होता है, क्योंकि जो 64 बिट जो होता है बिना कंप्रेस के वो हर पिक्सल्स में इंफॉर्मेशन भेजता है, मगर जो कंप्रेस में होता है वो हर पिक्सल्स में इंफॉर्मेशन नहीं भेजता। ये होता है कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड में डिफरेंस। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि कंप्रेस्ड वीडियो की साइज छोटी क्यों होती है और अनकंप्रेस्ड वीडियो की साइज बड़ी क्यों होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।